अच्छी जैन और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। अंतिम दौर में चल रहा अयोध्या मामला, होशंगाबाद में सड़क हादसे में 4 हॉकी खिलाड़ियों की मौत, सीएम कमलनाथ ने दी मृत खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज झाबुआ में कांग्रेस पर दहाड़े। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सोमवार सुबह सड़क दुर्घटना में 4 राष्ट्रीय स्तर के 4 हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग होशंगाबाद में आयोजित एक टूर्नामेंट में शामिल होने जा रहे थे, इसी दौरान उनकी कार इटारसी और होशंगाबाद के बीच नेशनल हाईवे 69 पर पेड़ से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह सभी खिलाड़ी होशंगाबाद में ध्यानचंद एकेडमी अखिल भारतीय हॉकी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए पहुंचे थे। वे साथ ही खिलाड़ी आदर्श हरदुआ का जन्मदिन मनाने के लिए आयोजकों की अनुमति लेकर रविवार रात इटारसी गए थे। वहां से सुबह लौटते समय रैसलपुर के पास हादसा हुआ। घटना में देर रात तक सभी ने जिसका जन्मदिन मनाया उसकी भी मौत हो गई। मृतकों में इटारसी के रहने वाले आदर्श हरदुआ, ग्वालियर के अनिकेत, इंदौर के शहनवाज खान और जबलपुर के आशीष लाल शामिल हैं। ऐसा ज्ञात हुआ कि सुबह 7 बजे होशंगाबाद हॉकी स्टेडियम में मैच होना था और इसके लिए खिलाड़ी सुबह इटारसी से रवाना हुए और एक खिलाड़ी जो स्वयं ड्राइवर था ग्लेडविन उसकी कार है और जिस तरह घटनास्थल देखा है उससे ज्ञात होता है कि घटना कितनी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पेड़ से टकराई है गाड़ी और गाड़ी की भी स्थिति और उनके खिलाड़ियों की स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है। 3 खिलाड़ी इसमें इंजर्ड हैं जो नर्मदा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इलाजरत हैं, जिसमें से एक खिलाड़ी की स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है और डायल इंडेट के माध्यम से इनको सुबह लाया गया था। इसमें 4 खिलाड़ी हॉस्पिटल आते लाते इनकी डेथ हो गई। ध्यानचंद जी के नाम पर एक हॉकी टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारी टीमें आई हुई थी। इसमें ये हॉकी एकेडमी के भी कुछ बच्चे थे, उनकी भी टीम थी। इसमें से कुछ बच्चे इटारसी के रहने वाले थे तो वहाँ गए हुए थे रात में। वहाँ रुकने के बाद सुबह लौट रहे थे तो रास्ते में गाड़ी ने ओवरटेक किया, उसके कारण ड्राइवर से जो मेरी बात हुई उसे कहना है उसका बैलेंस बिगड़ गया तो नीचे गाड़ी चली गई, सामने एक पेड़ से भी टकरा गई। तो उसमें 4 बच्चों की डेथ हो गई है, 3 घायल हैं अभी, जिसमें 2 की कंडीशन क्रिटिकल बता रहे हैं बच्चों। हम लोग देख रहे हैं कि जो घायल हैं उनका इलाज ठीक से हो जाए, जो मृतक हैं उनको देखने के लिए भी जो आगे की व्यवस्थाएं हम करेंगे, उनके परिजनों को और एकेडमी को सूचित करके जो व्यवस्थाएं। होशंगाबाद में सोमवार सुबह हुए हादसे में हॉकी खिलाड़ियों की मौत की खबर के बाद प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मृत लोगों के लिए संवेदना जताते हुए श्रद्धांजलि दी और खिलाड़ियों के परिजनों को मदद की बात कही। सोमवार सुबह हुए हादसे के बाद इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में शोक की लहरें छा गई। प्रदेश के खेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी खिलाड़ियों की मौत की खबर सुनते ही मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो गए। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने भी इस हृदय विदारक घटना पर दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के दौरान भगौर से कल्याणपुरा तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने भाग लिया। भगौर में भाजपा उम्मीदवार भानु भूरिया के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ललकारा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी हैं। उन्होंने फिर कहा कि अगर कमलनाथ तुमने गरीबों की योजनाएं फिर प्रारंभ नहीं की तो मैं तुमसे सड़क पर आकर लड़ने को तैयार हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया पर परिवारवाद चलाने का आरोप लगाया है। उसको देख रहा हूँ, बोले नहीं, वो तो कहते हम तो बंगले में ही रहेंगे। अरे तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक बात तो ये तो मैं घूम के जा, जनता की तकलीफ देखो, जनता की परेशानी देखो,
उसको दूर करने की कोशिश करो, लेकिन कोई मंत्री और मुख्यमंत्री खेतों में नहीं आया। फसल तबाह और बर्बाद हो गई। मामा तो अब तक खाते में पैसा डाल देता, बोलो डाल देता कि नहीं? अरे 25 साल के मक्का के 500 डालता, सोयाबीन के 500 डालता, गेहूं 2100 रुपया कुंटल खरीदता, उड़दा में तो 2400 रुपया देता था। कांग्रेस की सरकार ने धेला दिया क्या? इंदौर के प्राणी संग्रहालय में तैयार किया गया स्नैक हाउस अब दर्शकों के लिए तैयार है। स्नैक हाउस के भव्य शुभारंभ को लेकर भी नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इस शानदार स्नैक हाउस में असामाजिक तत्व मूक प्राणियों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ या स्नैक हाउस की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाए, इसको लेकर भी निगम ने विशेष योजना बनाई है। इंदौर के प्राणी संग्रहालय का नवनिर्मित स्नैक हाउस बनकर तैयार है। बस इंतजार है स्नैक हाउस के उद्घाटन का, जिसका प्रस्ताव नगर निगम परिषद में भेजा जा रहा है। इस स्नैक हाउस की संरचना इस तरीके से की गई है कि अलग अलग प्रजातियों के सांपों को उनके अनुकूल माहौल दिया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर निगम बेहद खास संरचना वाले इस स्नैक हाउस की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। इसके लिए नगर निगम ने तय किया है कि स्नैक हाउस के प्रवेश और निर्गम द्वार के साथ ही अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि उनके हाउस लाइक जारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस स्नैक हाउस के माध्यम से पशु प्रेमी कई तरह की प्रजातियों के सांपों को देखने के साथ ही उनके बारे में भी जान भी पाएंगे। हालांकि इस स्नैक हाउस का मेंटेनेंस भी काफी महंगा है, इसलिए संभव है कि नगर निगम स्नैक हाउस के लिए अलग से शुल्क वसूल कर सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि स्नैक हाउस की जो इनॉग्रेशन है वो बहुत जल्द करवाए। उसमें जो भी सुविधाएं हम लोगों को प्रोवाइड करनी है वो लगभग पूरी होने की स्थिति में आ गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, सीसीटीवी वगैरह भी, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो उसको भी हम लोग पूरी तरह से तैयार करके इनॉग्रेशन की स्थिति में बहुत जल्द ले आने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तो लगातार उसमें वॉच में रखेंगे, सीसीटीवी भी हम लोग पूरी 180 डिग्री इसमें चेक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे कि उसके अपने प्राणियों के साथ कोई छेड़खानी अगर करेगा तो वो डायरेक्टली हम लोग कैप्चर करने में और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का जो भी होता है वो पूरी तरह हम लोग डिटेल्स लेने की तैयारी भी कर रहे हैं और उसी तरह वहाँ पे पूरी तैयारी भी करवा रहे हैं। प्रयास यही है कि अपनी जो जू की आय है वो लगातार वृद्धि करते हुए उसकी मेंटेनेंस के बारे में सोचे और बाकी जूस कैसे उसको करते हैं उसका भी मॉडल हम लोग चेक करके उसके हिसाब से तैयारी करने का सोच रहे हैं। दशकों पुराने अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतिम घड़ी आ गई है। दशहरा के सप्ताह भर के अवकाश के बाद सोमवार को संविधान पीठ 38वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई के लिए यह आखिरी हफ्ता होगा। धार्मिक रूप से संवेदनशील इस मामले की सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई है। इसके करीब एक महीने बाद 17 नवंबर तक इस पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसी दिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीजेआई गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम रहने के बाद 6 अगस्त से मामले की प्रतिदिन सुनवाई शुरू की थी। पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर इंडिया के साथ।